आप देख रहे हैं ना, ये दरिया में कोई मच्छी या कोई जिंदा चीज़ आपको नज़र आती है? नहीं है। क्यों? कि ये गटर की वजह से। माइगर वो है जो समंदर का सीना चीर के रोजी ले जाते हैं। माइगर नुकसान नहीं करते। मेरा नाम गुलाम अहमद है। मैं असल में कराची का रहने वाला हूँ। पैदाइश हमारी ग्राम एदरी की है, तो हम मछेरे हैं। मेरा नाम नज़ीर है। मेरी पैदाइश यहाँ की है। अभी 15 साल हो गए मैं यहाँ पे ये धंधा कर रहा हूँ समंदर का। ये सारा दरिया नीचे, इधर स्टील मिल, उधर से अपना मनोड़ो, ये सारा दरिया का जो एरिया है इसके अंदर मच्छी नाम के लिए नहीं है। अभी ये 10-12 साल में जो कचरा और गटर शामिल हो गया, इसकी वजह से मैं खुद जानता हूँ कि इतना नुकसान हो गया कि इतनी मछली और झींगे कम हो गए कि हम खुद बाहर खुले समुद्र में जाते हैं तो गुजारा होता है, नहीं तो नहीं हो सकता। यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता है। एक बूला गोजा है जो एक जाल ऐसा है जिसमें मच्छी का अंडा भी उस जिप में चला जाता है। जो जालिम लोग जिन्होंने ये बूला गोजा यहाँ बांध के दरिया का बड़ा गर्क करे, हर चीज़ जो है उन्होंने मार के ख़त्म। जब बच्चा मर जाता है तो बड़ी क्या होगा, बड़ा तो मच्छी नहीं होगा ना। जुलाई के महीने में जो मछलियाँ हैं और झींगे वो किनारे की तरफ बच्चे करने आते हैं, तो मैंग्रोव में ही अंडे बच्चे करते हैं और जो खेकड़े वो भी, तो मैंग्रोव ही ख़त्म होता जा रहा है। इसकी वजह से हर चीज़ ख़त्म होती जा रही है और मैंग्रोव की वजह से हम लोगों को बहुत हिफाजत होती थी, अभी ये भी कटाई होते होते ख़त्म हो जाएगा। मछेरे बर्बाद हो चुके हैं। सिर्फ ये नहीं, हमारा ये सारा सिंध का एरिया, यहाँ से ब्राह्मेदरी से शुरू होता है, सारा सिंध को आप ले ले, जहाँ जाओगे वहाँ आपको सिंधी भिखारी मिलेगा दरिया के किनारे पे, वो आपको खुश नहीं मिलेगा। सारी जो गटर लाइन है वो समंदर में ही अभी जुड़ गई है। जिनने लगाया उनका पे नाम तो मैं नहीं ले सकता ना। कौन यहाँ के लोग, वो ऐसे लोग हैं कि मैं यहाँ उनका नाम लूँ वहाँ से मेरे बिस्तरे गोल।